हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितेश ठाकुर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो होने वाली है टॉप फोर मिस्टेक्स विच पीपल डू ड्यूरिंग फैट लॉस या वेट लॉस। तो मैंने काफ़ी लोगों को देखा है वो कॉमन मिस्टेक करते रहते हैं अपने वेट लॉस या फैट लॉस की जर्नी में, जिनसे जिसके कारण वो अपने जो गोल्स है वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं उन्हीं कुछ चार गलतियों के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मतलब कि आपको कैसे वो गलतियाँ ठीक करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई पहली मिस्टेक जो काफ़ी लोग करते हैं वो है नॉट ड्रिंकिंग एनफ वाटर। जो वाटर है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है आपके गोल्स अचीव करने में, चाहे फिर वो बल्किंग हो या लीनिंग हो या कोई भी हो। तो मैंने काफ़ी लोग देखे हैं जो जिम में पानी नहीं पीते हैं अपना वर्कआउट करते टाइम, उनको लगता है कि पानी नहीं पियेंगे तो उनका फैट लॉस ज़्यादा होगा या कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आप वाटर कंज्यूम नहीं करेंगे ड्यूरिंग वर्कआउट तो जो आपका जो मसल है उसमें क्रैम्प्स आने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आपकी बॉडी पूरी डिहाइड्रेट हो जाएगी। तो ऐसी गलती कभी नहीं कीजिए कि आप पानी ना पीजिए वर्कआउट के टाइम, जिससे कि आपकी बॉडी के लिए नुकसान है और कोई आपका फैट लॉस या वेट लॉस नहीं होगा। क्योंकि अगर आप पानी की क्वांटिटी अच्छी रखेंगे, आपको दिन में कम से कम 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर आप उसकी क्वांटिटी अच्छी रखेंगे तो आपके जो मसल्स हैं वो हाइड्रेटेड रहेंगे और वो अच्छी शेप में रहेंगे, जिससे कि आप एक अच्छा वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हो। और जो पानी है वो कहीं ना कहीं जो आपका हंगर है उसको ही मारता है। मतलब कि जो लोग अभी कैलोरी डिफिशिट जो वेट लॉस की जर्नी जिन्होंने अभी शुरू करी हुई है वो क्या करते हैं, वो डाइटिंग पर जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होती हैं, क्योंकि उनकी बॉडी को आदत नहीं होती है कम कैलोरीज खाना खाने की। तो जब उनको कभी भूख लगती है तो आप उस टाइम पर पानी पी सकते हैं, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो आपके हंगर को ख़त्म कर सकता है। तो पानी के और भी कई बेनिफिट्स हैं जो आपको मैं आगे वीडियो में बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो चलते हैं हम सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो गाइस हमारा सेकंड पॉइंट है नॉट ईटिंग प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन है वो एक मेजर फैक्टर है जो आपका वेट लॉस और फैट लॉस में हेल्प करता है। तो प्रोटीन के बहुत सारे बेनिफिट्स है, जैसे प्रोटीन जो है हमारा बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म उसमें उससे तेज कर लेता है, जो हमारे बॉडी में वो ग्रोथ रेगुलेटिंग हॉर्मोन्स होते हैं या जो वेट रेगुलेटिंग हॉर्मोन्स होते हैं उसमें काफ़ी चेंजेस लाता है, जो आपकी वेट लॉस या फैट लॉस में हेल्प करते हैं। तो जिसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रोटीन वाली डाइट खानी पड़ेगी, जिसमें आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी अच्छी हो और कार्बोहाइड्रेट्स कम से कम हो। तो गाइस सेकंड बेनिफिट प्रोटीन का ये है कि जो अगर आप एक अच्छी प्रोटीन डाइट लेते हो और आप वर्कआउट भी करते हो, बेशक आप कार्डियो नहीं करते हो, पर अगर आप प्रोटीन डाइट अच्छी और वर्कआउट अच्छी तरह करते हो तो आप दिन की एवरेज 100 कैलोरीज बर्न करते हो, जो कि ऑलमोस्ट 15 मिनट ट्रेडमिल पर भागने के जितना है। मतलब आप प्रोटीन डाइट अच्छी लो और सिर्फ हैवी ट्रेनिंग कीजिए, जिससे कि जो है आपकी कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी, क्योंकि एवरेज तो 100 हो रही है। आप उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत कार्डियो भी कर लेते हैं तो आराम से आप 200+ कैलोरीज बर्न कर सकते हो। गाइज प्रोटीन का थर्ड बेनिफिट ये है कि वो आपकी बॉडी में कभी एक्सेसिव फैट या एक्सेसिव वेट गेन होने नहीं देगा, क्योंकि वो आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हमेशा बूस्ट रखेगा। तो ये थे कुछ प्रोटीन के बेनिफिट्स। आई होप गाइज आज से आप अपने डाइट में प्रोटीन ऐड करेंगे। अगर आपको कोई गोल है, अगर हमें कोई गोल अचीव करना है, चाहे वो बल्किंग हो, गेनिंग हो या फिर वेट लॉस फैट लॉस कुछ भी हो, प्रोटीन हमेशा जरूरी होता है। तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने थर्ड पॉइंट पे। तो गाइस हमारा थर्ड पॉइंट है नॉट वर्किंग आउट प्रॉपरली। क्योंकि जो लोग अभी जिन्होंने अभी भी वर्कआउट शुरू करा हुआ है या जो अभी जिन्होंने जिम जाना शुरू करा हुआ है, उनको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेंगे। शुरुआत में तो सबको रिजल्ट मिलेंगे, आपका वेट भी कम होगा, जो आपका फैट है वो भी कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत कम होगा। बट आगे जाके अगर आपको ये रिजल्ट मिलना बंद हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि जो आपकी ट्रेनिंग है वो प्रॉपर नहीं है। जो शुरू में आपकी बॉडी को एक स्टार्ट चाहिए होता है, जो आपकी बॉडी का बेस था वो बन चुका है जो आप वर्कआउट करते हो, अब आपको अपने वर्कआउट में चेंजेस लानी पड़ेगी। क्योंकि शुरुआत में जो मैक्सिमम लोग हैं वो ज़्यादातर जाके कार्डियो करते हैं, रनिंग करना स्टार्ट कर लेते हैं ट्रेडमिल पे, वेट ट्रेनिंग बहुत कम करते हैं, जिनसे उनको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलते, जिनसे उनको लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलते। एट ए टाइम तो आपको मिल जाएंगे जब आप वर्कआउट कर रहे हो, कुछ दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे, बट फ्यूचर जो आपका गोल है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आपको जो है अपने वर्कआउट में चेंजेस लानी पड़ेगी, जैसे कि आपको वेट ट्रेनिंग बढ़ानी पड़ेगी। जो आपकी वेट ट्रेनिंग है वो एक ऐसी चीज़ है जिससे आपकी कैलरीज बहुत ज़्यादा बर्न हो सकती है। आपकी कैलरीज बर्न होगी, जो आपका जो मसल है वो टोन हो जाएगा अच्छी तरह, आपका जो मसल है वो अच्छी शेप में आएगा, ताकि जब आपका फैट बॉडी से ख़त्म हो जाए तो आपको प्रॉपर मसल बना हुआ होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वेट ट्रेनिंग बढ़ाइए और जो आपका HIIT है या कार्डियो है उसे थोड़ा कम कर दीजिए। मैं बंद करने को नहीं बोल रहा, मैं खाली बोल रहा हूँ थोड़ा सा कम कर दीजिए और वेट ट्रेनिंग बढ़ाइए। आप जितना हैवी वेट मारेंगे, जितना हैवी वेट आप यूज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा की कैलरीज बर्न होगी। तो चलिए हम चलते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ। तो गाइस हमारा लास्ट पॉइंट है कैलरीज काउंट करना। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि कैलरीज काउंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे फिर आप बल्किंग कर रहे हो या फिर आप अपना फैट लॉस कर रहे हो, क्योंकि जब तक आपने कैलरीज काउंट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा कि आपने
आपका डाइट प्लान क्या है, आप अपना डाइट प्लान बना नहीं पाओगे। तो आजकल ऐसे बहुत सारे ऐप्स आ गए, एप्लीकेशन आ गई है जिसमें आप अपने मील्स के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नोट डाउन कर सकते हो। मतलब कि आप नोट डाउन करो कि आप कितना प्रोटीन ले रहे हो, कितने कार्ब्स ले रहे हो, कितने फैट्स ले रहे हो और आपकी टोटल कैलोरीज कितनी है। आप बस जो भी अपनी मील खाते हैं कंज्यूम करते हैं जब उसी वक्त आप अपना फ़ोन लीजिए और उसमें नोट डाउन कर दीजिए और एट द एंड ऑफ द डे आप देखिए कि आपकी कैलोरीज का काउंट कितना है, तो उसी हिसाब से चेंजेस कीजिए। अगर आपकी कैलोरीज ज़्यादा है तो उसको 400-500 कम कर दीजिए। अगर आप पहले से कैलोरीज कम ले रहे हैं तो उसको बढ़ा दीजिए जिससे आपकी बल्किंग हो सके। तो गाइस ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है अपनी फैट लॉस या वेट लॉस जर्नी में, क्योंकि ये चीज़ें हैं जो पूरी आपकी जर्नी में हेल्प करेगी। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।